आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में कमलनाथ कैबिनेट की अहम बैठक हुई। शक्ति भवन में हुई इस बैठक में 1,000 करोड़ की योजनाओं पर मुहर लगाई गई है। जबलपुर संभाग की 29 गौशाला के लिए जमीन स्वीकृत की गई है और साथ ही कैबिनेट में 3 मार्च तक 25 लाख किसानों की कर्ज माफी का लक्ष्य रखा गया है। कर्ज माफी के लिए 23 फरवरी से हर तहसील में बैंक शिविर लगाए जाएंगे। बैठक के बाद सीएम कमलनाथ ने कहा कि शहरी क्षेत्र के युवाओं को 4,000 का भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विधान परिषद के लिए जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। कोर्ट के लिए 3 दिसंबर को एडवोकेट दिन मनाया जाएगा। सीएम कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगी और विश्वास को नहीं तोड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों और युवाओं के जीवन में बदलाव लाना उनकी पहली चुनौती है। इस खबर के लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जबलपुर संवाददाता अरविंद। अरविंद, आज कैबिनेट की अहम बैठक जबलपुर में रखी गई, क्या कुछ खास बातें कैबिनेट की बैठक के दौरान कही गई? अरविंद, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो बताएं कि आज महत्वपूर्ण बैठक जबलपुर में रखी गई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, क्या कुछ खास निर्णय थे? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी। देखिए, आज प्रदेश के लिए बहुत एक अच्छा दिन माना जा सकता है क्योंकि बहुत खुले दिल से, बहुत खुले दिमाग के साथ और एक विस्तृत ठोस रूप से काम करने के लिए कमलनाथ जी ने काफी कुछ बातें की हैं। कैबिनेट में काफी कुछ प्रस्ताव उन्होंने पारित भी किए हैं। सबसे अहम बात जो रही है वो ये है कि उन्होंने किसानों को लेकर, जो कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लेकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा ये की है कि 24 फरवरी के बाद सभी सरकारी बैंक प्रदेश की सभी तहसीलों में जाएंगे, वहां पर शिविर लगाएंगे और जिन किसानों ने कर्ज लिया है, आसान तरीके से जिन्होंने कर्ज लिया है, निर्विवाद रूप से उनका मामला है, तो ऐसे किसानों को कर्ज माफी का तुरंत वहां पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इसके तुरंत बाद सरकार के जो नुमाइंदे होंगे वे वहां पर किसान को सम्मानित करेंगे और उन्हें बताएंगे कि अब वे किसी भी तरह के कर्जदार नहीं है। 3 मार्च तक 25 लाख किसानों की कर्ज माफी का काम पूरा कर लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ये किसानों के लिए उन्होंने किया है। दूसरा, उन्होंने युवा रोजगारों बेरोजगारों के लिए बात की है। उनका कहना यह है कि शहरी युवा बेरोजगारों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा हूं क्योंकि शायद यहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है काम करने के लिए। अभी फिलहाल 4,000 रुपए का भत्ता देने की जो उनकी वचन पत्र की बात थी उसी को उन्होंने लागू किया है। कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया है लेकिन उसमें कुछ नियम और शर्तें हैं जो विस्तृत रूप से आगे हमारे सामने आएंगी। तीसरी जो सबसे बड़ी बात कैबिनेट बैठक में हुई है, प्रदेश की नई निवेश नीति बनाई जा रही है। उस नीति के तहत सभी सेक्टर में निवेश हो सके, खासतौर पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में निवेश हो सके, कृषि क्षेत्र में निवेश हो सके, उसके लिए कुछ उन्होंने यहाँ पर शर्तें और नियम रखे हैं जो कैबिनेट में सामूहिक रूप से उसको पारित कर दिया गया है और अब इसके बाद उस विदेश निवेश नीति को जल्द ही सदन में लाकर पास करा दिया जाएगा। निवेश नीति के तहत 19 तारीख को भोपाल में इन्वेस्टर्स मीट बुलाई जा रही है जो काफी बड़ी इन्वेस्टर्स मीट होगी। जैसा हम सब जानते हैं कमलनाथ खुद भी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पूरे एशिया में उनका कारोबार फैला हुआ है, तो वे अपने तमाम दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ वहां पर बैठेंगे, उद्योगपतियों के साथ, और प्रदेश में निवेश की तमाम हालत बताएंगे और अपनी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके और यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं ज्यादा बढ़ सके। तो ये कैबिनेट का एक बहुत बड़ा निर्णय इस तरह से आया है। किसान को भी उन्होंने देखा है, युवाओं की तरफ भी देखा है, निवेश की तरफ भी देखा है और इसके बाद गौशाला की बात करें तो प्रदेश की जितनी भी गौशालाएं हैं, चूंकि उन्होंने इसके पहले सभी जिला कलेक्टरों से इसकी फाइलें बुलवा ली थी कि इसके लिए जितनी भी जमीनें हैं वो किस तरह की जमीनें हैं, उन जमीनों के आवंटन को भी उन्होंने सहमति दे दी है। तो कैबिनेट में ये बात भी सामने आ चुकी है कि पहले वे जजेस एसोसिएशन की मीटिंग में गए थे, अधिवेशन में गए थे, वहां पर उन्होंने अधिवेशन का शुभारंभ किया था। जजेस की कुछ समस्याएं थी कि सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही थी और कुछ धन की कमी उनके जो रोज के कामकाज होते हैं उसमें आ रही थी, उसको उन्होंने दूर करने का आश्वासन दिया है। कैबिनेट में एक बात और लेकर आए हैं कि वे 3 दिसंबर को एडवोकेट डे मनाया जाएगा सरकार की तरफ से। ये कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया है, इसमें जितने भी वकील हैं उनकी समस्याएं हैं और जो जजेस हैं उनकी समस्याएं उनका निपटारा भी किया जाएगा इसी दिन बैठकर। तो ये एक तरह से एक बहुत अच्छे और खुले दिल से तमाम तरह की बातें हुई हैं। एक बात और उन्होंने कही है कि विधान परिषद की हमने बात की थी कि हम विधान परिषद भी बनाएंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश में है कि एक तरह विधानसभा भी चलती है और एक विधान परिषद भी होती है, उसके गठन के लिए वे तमाम जितनी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उससे गुजर रहे हैं और कैबिनेट में इस बात पर वे जल्द आएंगे। अभी इस पर एक सहमति जरूर बनी है कि विधान परिषद की का सिस्टम मध्य प्रदेश में जल्द लागू होगा। इसके बाद
अब मैं बात करता हूं जबलपुर की जी। जबलपुर की उन्होंने करीब 1200 करोड़ रुपए की जो परियोजना है, जैसा कि तमाम कागजात उनके सामने रखे गए थे, कैबिनेट के सामने रखे गए थे, उन सभी परियोजनाओं को उन्होंने एक बार में ही साइन कर दिए। उन्होंने बिना किसी डिस्कशन के कैबिनेट में 1200 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं हैं जो न केवल जबलपुर बल्कि महाकौशल का पूरा दृश्य बदल सकती है यदि ईमानदारी से इन परियोजनाओं के ऊपर काम किया जा सके। सवाल ही पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ जी से, खजाना खाली है, भला आप इन परियोजनाओं को लागू कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि ये बात जी बेशक जबलपुर संभाग में कई तरह की जो परियोजनाएं हैं उसको लेकर भी उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए और कर्ज माफी के लिए भी 23 फरवरी में जो बात की है वो भी ठीक है। और इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।